हेलो एवरीवन, फिर से एक बार जिन लोगों ने इस बार सफलता पाई है सभी को मेरी ओर से टीम एसपीसी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई और बहनों, अब ये वीडियो खास उनके लिए है जो एसपीसी से पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो चाहे वो सीए इंटरमीडिएट में हो। अगर वो एसपीसी के क्लासेस की, पेन ड्राइव्स की, लाइव स्ट्रीमिंग की, ओटीटी की, फेस टू फेस क्लासेस की अगर वो जानकारी चाहते हैं तो उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो तो आप इस वीडियो को ना देखें, आपके काम का नहीं है। दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर यू नो बाइंग द लेक्चर्स एंड गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद एसपीसी फॉर फाउंडेशन इंटरमीडिएट, आप देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलना ज़रूरी है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एसएमएस करते हैं और फिर पूछते हैं इसका क्या है उसका क्या है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू यू नो रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी मैसेज। सो इट्स बेटर नो आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि इसकी वजह से अब सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फाउंडेशन पास किया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर वन आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है सीए इंटरमीडिएट की बैचेस पूना में चालू हो रही है फ्रॉम 15th of February, जहां पे 15th of February से बैच चालू होगी, फेस टू फेस बैचेस चालू होने वाली है, जहाँ पे पहले 3 महीने हम लोग ग्रुप 1 पढ़ाएंगे, उसके बाद 3 महीने ग्रुप 2 पढ़ाएंगे। जी हाँ, और ये अटेम्प्ट कि आपके 3 महीने पहले एग्जामिनेशन के पहले खत्म हो जाएंगे, यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम फॉर योर सेल्फ रिविजन ऑल्सो। अब यहाँ पे जब फेस टू फेस क्लासेस ली जाती है, ये यहाँ पे जो लोग इंडिया के अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टेट से लोग वहाँ पे आते हैं, तो हम लोग उन सभी के लिए फ्री एकोमोडेशन यहाँ से मैनेज कराते हैं ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने के अंदर रहने की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो एसपीसी इज रियली प्राउड टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ फ्री एकोमोडेशन ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी मुसीबत ना आए अगर वो पढ़ना चाहता है पूना में फेस टू फेस क्लासेस से। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी फैकल्टीज है और क्या है, ये पैम्फलेट में आपको दिख रहा है। इनके अगर लेक्चर्स भी जानना चाहते हो कि कौन फैकल्टी कैसे पढ़ाते हैं, सभी के 10-10 लेक्चर्स हमने यूट्यूब पे डाले हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वे वी टीच। देयर इज नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बट हमारा काम होता है हम लोग स्टूडेंट्स को रूबरू करने के लिए, उनको और समझाने के लिए कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू अपलोड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, 10-10 लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के डाले हुए लगातार है, आप उनको देख सकते हैं ताकि आपको क्वालिटी समझे। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन हमसे पढ़ा है तो दे नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सो उसके बारे में चर्चा करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। पर अब बहुत लोग हैं जो पूना में फेस टू फेस आकर नहीं पढ़ना चाहते, एक ऑप्शन आपके पास में है, उसका नाम है लाइव स्ट्रीमिंग। आपको अगर लाइव स्ट्रीमिंग का अर्थ होता है कि जिस समय यहाँ पे पढ़ाया जाता है ठीक उसी दिन उसी समय वो लेक्चर एसपीसी प्लेयर पे चलता है, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी हम लोग पहले 5 लेक्चर यूट्यूब पर डालेंगे और उसके बाद में आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप जो लोग रजिस्टर्ड होंगे तो उनको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएंगे, थ्रू एसपीसी एप्लीकेशन दे वुड बी एबल टू वॉच लेक्चर्स जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सेम टू सेम वहाँ पे दिखेगा, उसी समय पे दिखेगा, यानी कि फेस टू फेस में लोग हमारे सामने होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में लोग हमें मोबाइल पे देखते होंगे। और बिल्कुल आपका सिर्फ इंटरनेट और एक अच्छा मोबाइल होना ज़रूरी है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक अच्छी बात है आपके लिए कि लाइव स्ट्रीमिंग की फीस जो होती है फेस टू फेस से कम भी होती है, तो आपका अपना फ़ायदा उसी में भी हो सकता है। अब और अगर आप कहेंगे सर, अगर हम लोग हमारा फाउंडेशन का एग्जामिनेशन हो चुका है और हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये आपके सामने जो ऑप्शन है फेस टू फेस भी नहीं पढ़ना, आपको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं पढ़ना, आपको कभी भी पढ़ना है कहीं भी, देयर इज नो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। ये ऑप्शन है आपके पास में ताकि आप इन लेक्चर्स को वैलिडिटी दी जाती है, 6 महीने की वैलिडिटी दी जाती है और उसमें आपको व्यूज़ दिए जाते हैं। अगर आपको चाहे तो आप 12 महीने का भी ले सकते हो और आप उतने समय पे वो लेक्चर्स कभी भी देख सकते हो, जब आपको दिन में देखना है, रात में देखना है, जब आपकी सुविधा, इट इज़ एज पर योर कन्वीनियंस। और ये बहुत लोग पेन ड्राइव से पढ़ना पसंद भी करते हैं। अब इसमें एक बात मुझे बताना है, चाहे पेन ड्राइव से पढ़ रहे हो, चाहे आप लाइव स्ट्रीमिंग से पढ़ रहे हो, चाहे फेस टू फेस पढ़ रहे हो, या हमारे कोई इंडिया के जो वर्चुअल सेंटर्स है वहाँ से पढ़ रहे हो, या हमारे ओटीटी मोड से आप पढ़ रहे हो, इन सारे लेक्चर्स के कंटेंट में, क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नोट्स भी सेम होते हैं, टीचर्स भी सेम होते हैं,
नंबर ऑफ आवर्स ये इतना ही होता है भाई, हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको ही रिकॉर्ड करते हैं और वही भेजते हैं, तो कोई डिफरेंस का सवाल ही नहीं है। ये आपको अपना कन्विंस देखना है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, बाकी हमारे मुताबिक तो सारी की सारी चीज़ों में इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट, रक्ती भर का भी फर्क वहाँ पे नहीं होता, ये बात आपको निकालना। अगर आप पूछेंगे कौन सा मेथोडोलॉजी अच्छा है, बेटा कोई नहीं, सब अच्छे, आपको अपना कन्विंस देखना है, आपको अपना फाइनेंशियल बजट भी देखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। अगर आपको कोई भी समस्या अगर है या आपको कुछ से अगर आपको चाहिए कुछ, अपने आपको रजिस्टर कराना है, आपको ये बाय करना है, तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे उन सारे मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव के नंबर दिए होंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं, वो आपको बाय करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, ठीक है। ये हुई बात यहाँ की ग्रुप वन की। अब ग्रुप वन होने के बाद में आपके पास में ऑप्शन होगा, आपको ज्वाइन करना होगा ग्रुप टू का, ठीक है। तो ग्रुप टू में मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, आपके सामने ये ग्रुप टू मैं दिखा रहा हूँ, हम लोग ग्रुप टू पढ़ेंगे, और ग्रुप टू पढ़ेंगे 3 महीनों बाद में। अगर आप लोग फाउंडेशन की एग्जामिनेशन आपकी हुई है और आप ग्रुप टू पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक तो ग्रुप टू ग्रुप वन के बाद में भी पढ़ सकते हो, और ग्रुप टू अभी से भी पढ़ सकते हो। अगर आप ग्रुप टू अभी से पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास में फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं है, आपके पास में पेन ड्राइव लेने का ऑप्शन है, और पेन ड्राइव पूरी तरह से अपडेटेड है, जिसमें मैं खुद भी ESSM और FME को ये दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के बारे में अगर फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपको जानना है मैं कैसे पढ़ाता हूँ और आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखना है, तो आपने मेरे यूट्यूब पे डाले हुए लेक्चर्स को आप देख सकते हो, 10-10 लेक्चर मैंने इनके डाले, उनका भी लिंक यहाँ पे दिया जाएगा, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द वे वी टीच। देर इज़ नो क्वालिटी, देर इज़ नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आप यूट्यूब से और उसके कमेंट से बेहद अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्वालिटी ऑफ टीचिंग का तो आपको सोचना ही नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए इतना लोग पढ़ते भी है, और इसलिए लोग आप भी ये वीडियो देख रहे हो। सो दोस्तों, अगर आपको ग्रुप टू करना है तो ऑप्शन एक है, आप ग्रुप वन की क्लासेस करेंगे उसके बाद ग्रुप टू करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर आपके पास में एक है कि आप अभी से ग्रुप टू की क्लासेस भी ग्रुप वन के साथ में चालू कर सकते हैं, पर ग्रुप टू चालू करना है तो आपके इसमें पेन ड्राइव का ऑप्शन उपलब्ध है, और वो आज भी इसी समय पे अभी जाकर आप बाय कर सकते हो, सारे लेक्चर्स अपडेटेड होंगे, और आपकी क्लासेस के बाद में यदि कोई अमेंडमेंट आ जाती है या कुछ चेंजेस हो जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, उसको सेपरेटली यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद द नोट्स, तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और इस बार का जो रिजल्ट भी आया है, EIS हो चाहे SM हो चाहे FME को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगा, शानदार रिजल्ट लगा है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इतने सारे एग्जामिनेशन जो आए हुए हैं उससे आपको आसानी से समझ सकता है कि क्या क्वालिटी से पढ़ाया जाता है। एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपका ग्रुप वन पास हो चुके हैं, आप ग्रुप वन CA इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, यू आर सर्चिंग फॉर ग्रुप टू, तो ग्रुप टू की क्लासेस आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ग्रुप टू की क्लासेस है, यहाँ पे लिखी हुई, आप ग्रुप टू की क्लासेस पेन ड्राइव के फॉर्मेट में कभी भी कर सकते हो, ये देख लीजिए, ये क्लासेस आप कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप वन हुआ है, आप ग्रुप टू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं SPC इज वेरी फेमस फॉर CA इंटरमीडिएट ग्रुप टू, ये आपने अपने दोस्तों से भी समझा होगा, आपने कहीं पूछा भी होगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, पेन ड्राइव का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, आप कभी भी जाकर इसको swapnilpatni.com से ले सकते हो। ये सारे लेक्चर पूरी तरह से अपडेटेड है मेरे लेक्चर्स लेने के बाद में, या इन सारे फैकल्टीज के लेक्चर लेने के बाद में, अगर आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट्स आती हैं तो सेपरेटली इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, उसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लास के पढ़ाने से लेकर आपको कोई भी शंका है तो बिल्कुल मत रखिएगा, सारे यूट्यूब पर लेक्चर भी डेमोज के अवेलेबल है, दोनों भी सब्जेक्ट के 10-10 लेक्चर जो है मैंने अपलोड किए, हर्षद के भी सब्जेक्ट है उन्होंने भी अपलोड करवाए, और सारे सब्जेक्ट जो है आनंद सर का भी जो सब्जेक्ट है उन्होंने भी वहाँ पे अपलोड, तो यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू रेस्ट अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग गाइस, या और आपने देखा ही इस बार जो रिजल्ट आया है FME की अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली, हाईएस्ट स्कोरर जो है इस बार, इट इज़ 93 मार्क्स, तो बहुत बड़ी कामयाबी है, 150 से ज़्यादा लोगों को एग्जामिनेशन इस बार FME में मिला है, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाब होते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ द सब्जेक्ट गाइस, है ना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, आपका ग्रुप वन हो चुका है, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं ग्रुप टू, तो उसके लिए ऑप्शन आपको एक ही है, आपको 3 महीने बाद ज्वाइन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल, आपको करना है तो आप कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, पर अगर आपको ग्रुप टू करना है, आज ही करना है, अभी स्टार्ट करना है, तो ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज व्हाट, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, गो ऑन swapnilpatni.com, यू कैन बाय दोस लेक्चर्स, या ओके आगे बात करेंगे। अब उन लोग की बात करेंगे दोस्तों जिन्होंने CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन जो है CA इंटरमीडिएट में जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, पर वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाए,
ये बहुत ही बुरी बात होती है कि आप एग्ज़ामिनेशन देते हो पर आप पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ामिनेशन आपने दी है पर आपने पास नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप फुल कोर्स भी कर सकते हो, जैसे आपने ग्रुप टू की एग्ज़ामिनेशन दी थी और आपको ग्रुप टू के एग्ज़ामिनेशन देने के बाद भी आप पास नहीं हुए, तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है, आप मेरी क्लासेस फुल कोर्स भी ले सकते हो और मेरी क्लासेस का फास्ट ट्रैक भी ले सकते हो। मैं EISSM की बात कर रहा हूँ, तो EISSM में फास्ट ट्रैक भी अवेलेबल है, EIS में फुल कोर्स भी अवेलेबल है। पर जहाँ तक FMEO की बात है, वो सब्जेक्ट को फास्ट ट्रैक नहीं, उसका सिर्फ फुल कोर्स आपके पास में अवेलेबल है। और जो लोग इस बार एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए हैं, तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी पहले पढ़ाई कैसी हो। अगर आपको लगता है पहले आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है, आपको सब कुछ समझ में आता है, तो यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक। पर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे पूरा राइट फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ना है, पूरा डिटेल में जाके पढ़ना है, तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू टेक रिस्क एंड गो फॉर फुल कोर्सेज, वो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। तो उसमें एक और एक बात है, कौन से सब्जेक्ट की फास्ट ट्रैक क्लासेस आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा हूँ, इन सारे सब्जेक्ट्स की फास्ट ट्रैक क्लासेस हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट्स है, जिसमें ऑडिट है, जिसमें EISSM है, इन सारे सब्जेक्ट्स का फास्ट ट्रैक है, अभी DT का भी फास्ट ट्रैक इसमें है, तो आप उनके लिए जा सकते हो। पर मेरा आपसे यही बोलना है, अगर आप कहीं से भी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो फॉर फास्ट ट्रैक, यू शुड गो फॉर फुल कोर्सेज, अदरवाइज अगर आपका हुआ है तो यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक। ओके, फास्ट ट्रैक का मतलब है, फास्ट ट्रैक में भी सारा कंटेंट कवर होता है, पूरा मैक्सिमम कवर होता है, बट वो फास्ट पड़ जाता है और थोड़ा स्पीड ज़्यादा होता है उसमें, और वहाँ पे रिविजन बहुत कम ले जाते हैं, जहाँ तक कि रेगुलर बैच का सवाल है वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, टेस्ट होती है, बहुत रिविजन ले जाता है, धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, और कोशिश करते हैं कि सारा के सारा चीज़ जो है EISSM का, FMEO का और सारे सब्जेक्ट्स का, वो क्लास में हो जाए, ज़्यादा बच्चों को घर पर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये हो गई बात। अब उन लोगों के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनके लिए क्या, CA इंटर का एग्जामिनेशन आपने दिया था और आप फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी जैसे मैंने कहा है कि आपके फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपके बस में वक्त कितना है। ठीक है, ये बात क्लियर है।